अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर ITC। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप या फिर माउस के कर्सर को चेंज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास विंडोज 10 में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सेटिंग्स होती हैं, जिसके ज़रिए हम अपने माउस का पॉइंटर चेंज कर सकते हैं या टेक्स्ट कर्सर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो ना देखी हो वीडियो तो आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस कोर्स की, उसमें सारी वीडियोस हमने सीरीज वाइज रखी हुई हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग वो देख के ईजिली सीख सकें। हर टॉपिक पे वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, कोई चीज़ समझना चाहते हो या किसी चीज़ में मसला हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तो आज हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि हमें अपनी मर्जी का कर्सर अगर चाहिए तो वो किस तरह से हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद किस तरह से उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद वो किस तरह से हमारे माउस के कर्सर पे पॉइंटर पे अप्लाई होगा। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के तौर पे कि किस तरह का कर्सर हम चेंज करेंगे, या किस तरीके की हाईलाइट में होगा कर्सर, किस कलर का होगा या किस तरीके की शेप होगी उसकी, ठीक है। मैं पहले आपको एज अ एग्जांपल, एज अ डेमो दिखा देता हूँ कि उसकी लुक कैसी होगी, किस तरीके का होगा, देन फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये डाउनलोड कैसे होगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे मेरे जो माउस पॉइंटर है ये चेंज हुआ हुआ है, ब्लैक कलर और येलो हाईलाइट से ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको करना ये है स्टार्ट मेन्यू में जाए, स्टार्ट मेन्यू में जाके आप लिखें माउस सेटिंग। जैसे आप माउस भी लिखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर करें क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिशनल माउस ऑप्शंस का, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बटन्स में, बटन टैब्स में हम यहाँ से आ जाएं आप पॉइंटर्स में। पॉइंटर्स में आने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट पॉइंटर्स आ रहे हैं जो कि हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ से कोई भी यूज़ करना हो तो सिंपल हम उसे सेलेक्ट करके अप्लाई एंड ओके कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना। हम चाहते हैं हमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी पॉइंटर इसमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ब्राउज़ का, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जैसे आपको दिख रहा होगा माउस पॉइंटर का, इस पर करें डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे जैसे ब्लैक येलो हाईलाइट या ब्लू या इस तरह से ग्रीन ऑरेंज बहुत सारे कलर्स में मेरे पास कर्सर मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, देन मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अप्लाई एंड ओके। अब देखें इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में किसी को कुछ भी समझाना हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये डेस्कटॉप है इसके बारे में या वीडियो, तो देखें आपको ईजीली समझ में आ रहा होगा। और ये ट्रिक ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं जो यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं या जो कंप्यूटर टीचर हैं या यूट्यूब पर किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में समझाते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो है माउस कर्सर ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। कैसे डाउनलोड करने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। ब्राउज़ पे जाके आपको लिखना है सिंपल rw-designer.com, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं, सही। तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, देखें यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे कर्सर्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं यहाँ पे सर्च में लिख रहा हूँ हाईलाइट, ठीक है। इंटर करा मैंने, इंटर करने के बाद देखें यहाँ पे काफ़ी सारे हाईलाइट वाले कर्सर्स आ गए। मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी मेरा कर्सर हुआ हुआ है वो है ये वाला, ठीक है। और भी आप यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो भी करना चाहें सेम डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन्हें डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यही वाला डाउनलोड करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कर्सर जो है वो ये है, ठीक है, हाईलाइट सेट कर्सर। इस पर मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको करें शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर करने के बाद ये आ गया आपके पास जिप फाइल, देन इसको आप यहाँ से कट कर लें। कट करने के बाद कहीं पर भी चले जाएं,
और कोई फोल्डर वगैरह बनाना चाहते हैं वो फोल्डर बना लें, फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लें, ठीक है। अब ये जिप फाइल है, इसके अंदर से हमें फाइल्स निकालनी है, तो हमने क्या करा, राइट क्लिक करा और यहाँ से करेंगे हम एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी देखें सारी फाइल्स बाहर आ गई, ठीक है। अब जैसे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको फिर से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे माउस सेटिंग, माउस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से हम यूज़ करेंगे एडिशनल माउस ऑप्शन, देन अब जाएंगे पॉइंटर में, पॉइंटर में जाने के बाद ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ जो अभी हमने डाउनलोड किया है वहाँ से करके, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, ABC के फोल्डर में, ये रहे। कैसा करना है आपको, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मुझे करना है ये ब्लू, ग्रीन, वाइट, ठीक है, ओके, देन अप्लाई, देन ओके, ये रहे, चेंज हो गया। इससे आप इजीली किसी को भी आराम से समझा सकते हैं, उसको समझ आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगी वो चीज़ ये लेकर, ठीक है। अब हमें अगर ये हटाना है, नॉर्मल कर्सल करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे माउस सेटिंग, माउस सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल माउस ऑप्शन, एडिशनल माउस ऑप्शन में जाने के बाद पॉइंटर, पॉइंटर में जाने के बाद सिंपल इसको हम कर देंगे नन, नन करने के बाद ये रहा नॉर्मल कर्सल आपका जो नॉर्मली हुआ हुआ होता है, ठीक है। यहाँ से इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो आपका जो कर्सल है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी, और अगर अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी एजुकेटेड होते रहें हर टेक्नोलॉजी से, हर सॉफ्टवेयर से, हर चीज़ से। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हों, समझना चाहते हों और चाहते हों मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।